गौ सेवा की मिसाल है विदेशी महिला इरिन उर्फ सुदेवी। कौन है ये इरिन, कैसे पड़ा इनका नाम सुदेवी, हम बताएंगे। लेकिन इससे पहले हम बात करेंगे देश में गौरक्षा और गौ सेवा के मुद्दे की। सनातन परंपरा के लिए विश्व में अपनी पहचान रखने वाले भारत में हिंदुस्तानियों की मान्यताओं के अनुसार गौ को माता का स्वरूप माना जाता है। गौरक्षा के लिए उसके मीट के कारोबार पर रोक लगाने के लिए कभी कभी हिंसक घटनाएं भी सामने आती हैं। देश में इससे जुड़ा मुद्दा काफी गरमाया भी रहता है। सियासत होती है, समाचार चैनलों पर वाद विवाद होता है, लेकिन इसका कोई हल नहीं होता। क्यों? गायों को ट्रकों में भरकर स्लॉटर हाउस ले जाने वाले पर जब मार पड़ती है तो वह कहते हैं कि पीट आ गया। आप ऐसा करते ही क्यों हैं? जो आपके साथ लोग ऐसा करने पर विवश हो जाएं, रोक लगा दो। गौत्या करना करनी है तो सेवा करो। इसकी ही एक बड़ी मिसाल है विदेश से आई इरिन उर्फ सुदेवी, जिन्हें हाल ही में पद्मश्री से नवाजा गया है। जर्मनी के एक समृद्ध परिवार से संबंध रखने वाली इरिन भारत घूमने आई थी। जब वह घूमते घूमते राधे श्याम की नगरी व्रजधाम मथुरा पहुंची तो फिर वहीं की होकर रह गईं। यहां उन्होंने बेसहारा गायों की सेवा करनी शुरू कर दी। बीमार घायलों गायों की सेवा करना ही उनके जीवन का उद्देश्य बन गया। आयोग कहें कि उन्होंने अपना जीवन गौ सेवा को समर्पित कर दिया। इसके चलते ब्रजवासियों ने उनको एक नया नाम सुदेवी दिया। हाल ही में उन्हें महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के कर कमलों द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया है। पीएम मोदी समेत तमाम बड़े नेता उनके सराहनीय कार्य के प्रति प्रभावित हुए हैं। इरिन सुदेवी 1970 में दुनिया भ्रमण करती हुई भारत आई थी। उनकी गौशाला में आज 1800 गौवंश हैं। उनका कहना है कि सरकार गांव-गांव में ऐसे सेंटर खोले जो गाय के गोबर को खरीदे, उसके मलमूत्र को खरीदे और उसे खाद बनाए। इससे कमजोर वर्ग के गरीबी के कारण लोग गायों को बेसहारा न छोड़ें और उनकी सेवा करते रहें। इसके अलावा उनकी एक इच्छा भी है। उनका कहना है कि मैं गौ सेवा करते करते ही प्राण त्यागना चाहूंगी। तो ये है विदेश की सुदेवी उर्फ इरिन, जो गौ सेवा के प्रति अपना जीवन समर्पित कर चुकी हैं। अगर हमारी आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।